रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पिछले कुछ दिनों में कई सफल परीक्षण किए। 22 सितंबर को ओडिशा के बालासोर में मिसाइल लक्ष्य वाहन अभ्यास का दूसरा सफल उड़ान परीक्षण किया गया। परीक्षण में अभ्यास को विभिन्न प्रकार के रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से ट्रैक किया गया। अभ्यास को 5 किलोमीटर की ऊंचाई, 0.5 मॉक की स्पीड और 30 मिनट की स्थिरता के साथ 2G टर्न कैपेबिलिटी की दरकार थी, जिससे उसने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। अभ्यास ड्रोन एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसे लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है। इस ड्रोन की मदद से विभिन्न मिसाइलों या हवा में मार करने वाले हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। अभ्यास को DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसी दिन KK रेंज आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO की 3 प्रयोगशालाओं ARDE पुणे, HEMRL पुणे और IRDE देहरादून इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास में शामिल थे। 23 सितंबर को DRDO ने ओडिशा परीक्षण रेंज में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी का भी सफल परीक्षण किया।